नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूँ रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं MS Word 2010 या किसी भी लेटेस्ट वर्जन में प्रीव्यू टैब का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हों सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये MS Word 2010 का विंडो है, जहाँ पर बहुत सारे मेनू टैब सब यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है होम टैब है और इंसर्ट टैब है, यहाँ पे पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है। ठीक है दोस्तों, पिछले सब ट्यूटोरियल सब टैब का मेनू का ट्यूटोरियल रख चुका हूँ मैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। आज हम दोस्तों इस ट्यूटोरियल में रिव्यू टैब के बारे में हम कम्प्लीटली जानेंगे। दोस्तों, जब भी रिव्यू में हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स और फीचर्स अब यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है आपको प्रूफिंग सेक्शन है, सेकेंड में लैंग्वेज सेक्शन है, थर्ड में कमेंट सेक्शन है, फोर्थ में ट्रैकिंग सेक्शन है, फिफ्थ में चेंजेज है और सिक्स में कॉम्पेयर, उसके बाद प्रोटेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों प्रूफिंग सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जाना दूं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है। तो जब भी आप कोई बुक को कंपोज करते हैं या कोई न्यूज़पेपर सब देखते हैं तो क्या होता है, तो मैनुअली चेक करने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रैन फंक्शन चलाते हैं। रैन फंक्शन चलाने के बाद आप इंटर डालेंगे जब भी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दोस्तों, ये जो इसे कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ कॉन्टेंट सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ से कुछ मिस्टेक कर देते हैं कॉन्टेंट सबको। अब जब भी हम दोस्तों यहाँ पे अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर हम चेक करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों स्पेलिंग ग्रामर यहाँ पे मिस्टेक है। एक बात मैं बता दूं, यहाँ जो देख सकते हैं कुछ रेड अंडरलाइन है, हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, इसे रेड अंडरलाइन से स्पेलिंग मिस्टेक इंडिकेट होता है, और जब भी आप ग्रीन अंडरलाइन कहीं पर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर TH को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इसे हम किस तरह हम सही करेंगे हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कर्सर को सबसे पहले शुरू में रखना है, यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। तो सजेशंस में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों डॉक्यूमेंट, अगर जब भी इसमें क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज करते हैं तो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे तो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स है, BUILDINGS, यहाँ पे BU बिल्डिंग्स है। यहाँ पे सजेशंस में देख करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने सारे स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं या फिर इग्नोर ऑल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐड टू डिक्शनरी का फंक्शन का काम है। यहाँ पे जब भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी में दोस्तों यहाँ पे कुछ कंटेंट को हम रिमूव कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ऐड इग्नोर ऑल, मतलब जो आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल करें। अगर डिक्शनरी से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी करें। ठीक है, यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कवर चेंज हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, अगर कोई कॉन्टेंट हम यहाँ पर टाइप करते हैं, मान लीजिए कि टीचर है। ठीक है, तो टीचर का सिमिलर मीनिंग जितने होते हैं सब सिमिलर मीनिंग यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हैं कि ट्रेनर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, गवर्नमेंट है, एजुकेटर है, ठीक है, स्कूल टीचर है, सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थेसरस। थेसरस क्या होता है, तो सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टीचर, ठीक है, तो टीचर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे सिमिलर मीनिंग यहाँ पे शो होगा। ठीक है, थेसरस में। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है, जब भी आप वर्ड काउंट में क्लिक करते हो तो ये जो कंटेंट है, कंटेंट में कितना वर्ड, पेज, पैराग्राफ्स, लेंथ, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पेज एक है, वर्ड्स 184 है, कैरेक्टर नो स्पेस इतना है, विथ स्पेस में 1076 है, पैराग्राफ टोटल 3 दिए गए हैं, लेंथ 15 दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से हम
पता लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन करना होगा, विदाउट सिलेक्शन हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट, जो आपके लैंग्वेज सेक्शन में आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और जब भी आप सेंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, या फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और जब भी यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो कमेंट, कमेंट क्या होता है मैं जना दूं, अगर किसी भी टेक्स्ट में कमेंट लिखना है तो यहाँ पे न्यू कमेंट करेंगे और कमेंट में जो कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नेक्स्ट कमेंट देना चाहते हैं तो फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कमेंट में जाएंगे और न्यू कमेंट में जाके हम यहाँ पे हम इंटर डाल के हम क्या करेंगे, न्यू कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रीवियस कमेंट में जाते हैं, प्रीवियस में जा सकते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में जा सकते हैं। अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करें, कमेंट को डिलीट करेंगे तो जब भी डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा। इससे भी डिलीट करेंगे तो डिलीट और ये भी कमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था कमेंट सेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट टेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे टैग चेंज। सबसे पहले मैं जाना दूँ टैग चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो रिव्यू टैग का सब टैब का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपको टैग चेंज। टैग चेंज क्या होता है, अगर आप किसी कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर किसी थर्ड पार्टी ने इसे फॉर्मेटिंग कर दिया या कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो अगर आपको टैग चेंज ऑन रहता है तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गैलरीज है, गैलरीज कोई डिलीट कर देता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का हाईलाइट में शो होगा दोस्तों, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा है। इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कट कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेस्ट होगा। मतलब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों हो रहा है, ठीक है। अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो होम में जाकर के आप क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मेटिंग करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है कि भैया कि यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या करेंगे, रिव्यू में जा करके यहाँ पे इंडिकेट भी लाइन से हो रहा है कि यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेटिंग किस किस लाइन में यहाँ पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, टैग चेंज में जा करके हम यहाँ पे सो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइनली जो है इस तरह का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो होगा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं शो मार्कअप लैंग्वेज तो यहाँ पे शो हो रहा है, अगर ओरिजिनल करते हैं तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे शो मार्कअप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हाईलाइट अपडेट्स में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि आप कहाँ कहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। रिव्यू पेन में अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीटेड कंटेंट है, फॉर्मेटेड कंटेंट है, इंसर्टेड कंटेंट है, ठीक है। तो सब कुछ जो आप जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग किए हुए हैं कंटेंट के साथ जो वर्क किए हुए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे शो होता है। अगर इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज में क्लिक करना है, ठीक है। ऑल चेंजेस में जब भी करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो जितना चेंजेस है उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट देन मूव दैट नेक्स्ट, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस जब भी करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना कंटेंट मैंने चेंज किया हूँ सब एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर नहीं तो रिजेक्ट कर करना है तो हम रिजेक्ट जो क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट, जितना जो था वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट कंपेयर में जाकर के कंपेयर में जाकर के आपको किस डॉक्यूमेंट से आप कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे फाइल वन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो भी ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर में यहाँ पे एक दो डॉक्यूमेंट के तीन डॉक्यूमेंट के कॉम्पेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह कॉम्पेयर यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ से कर देते हैं क्लोज, यहाँ से भी कर देते हैं क्लोज, ठीक है।
यहाँ से भी कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। फाइल में जा करके हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद हमें क्रिएट करते हैं, फाइल में जाके हम ओपन करते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट को दोस्तों हम यहाँ से एक ओपन करके हम वर्क करते हैं। ठीक है, मान लीजिए वर्ड में यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है, ठीक है, इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम इक्वल टू रेंट चलाते हैं, रेंट फंक्शन चलाते हैं और यहाँ पे इंटर डालेंगे। अब मान लीजिए इसमें क्या करना है दोस्तों, किसी भी तरह का हम ये जो है रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग फोर्स में यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अलाउ इसमें क्लिक करके हमें क्या करना है, एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पे 1, 2, 3 कर देंगे, यहाँ पे भी 1, 2, 3 कर देंगे और ओके जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड सेट हो चुका है। अगर किसी भी तरह का आप चेंज करेंगे तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये दोस्तों प्रोटेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सीखा कि एमएस वर्ड 2010 या किसी भी लेटेस्ट वर्जन में रिव्यू टैब के अंतर्गत जितने सारे ऑप्शंस है उसका उपयोग करना। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई टी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ।